फोटोज है, फेसबुक पे जाके मेरे अकाउंट खोल के देखिए, सारे मंत्री लोग के साथ फोटो है, अरे वो भी चलाओ, लेकिन जनता को ये तो जवाब दो कि तुमने क्या काम किया है। ये वीडियो वायरल करके मजलिस का वोट तुम्हारे पास चले जाएगा क्या? अरे मजलिस का वोट सिर्फ असद अवैसी साहब की वजह से मिलता है। असद अवैसी जनाब भाई, वीडियो में जिस तरह से दिख रहे हो कि आप पहले तो वहाँ पे घूम रहे हो, उसके बाद आपकी नजर जब कैमरे पे पड़ती है तो आप डायरेक्ट गाड़ी में बैठकर चले जाते हो या बैठ जाते हो? भाई मैं वहाँ घूम रहा नहीं था, मैं तो आपको क्लियर कट बता दिया हूँ कि मैं काम से गया था, माननीय मंत्री महोदय से मिलने के लिए गया था, और काम उनके भतीजे कॉर्पोरेटर सुमित पाटिल के माध्यम से वो बच्चे को इंसाफ मिल गया। शदाब भाई, जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, उसका क्या है पूरा मामला, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विरोधियों से कहना चाहूंगा कि कितने हताश है वो, उनको एक रिकॉर्डिंग का सहारा लेना पड़ रहा है जो 3 से 4 महीना पुरानी है। आपको लड़ना है तो सही तरीके से लड़िए, इस तरह डर्टी पॉलिटिक्स करके क्या फायदा। जनता जो है वो मुद्दे मांग रही है। कपिल पाटिल केंद्रीय मंत्री हैं, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर होने के नाते, साथ ही भिवंडी शहर का समाज सेवक होने के नाते, ना सिर्फ कपिल पाटिल बल्कि भिवंडी शहर के दूसरे आमदार, खासदार या अतराफ के मंत्री सभी से मुझे मिलना पड़ता है, सभी के घर पे जाना पड़ता है, ऑफिस पे जाना पड़ता है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये डुप्लीकेट नहीं है, बनावटी नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, ये सच्ची रिकॉर्डिंग है और ये 16 फरवरी की रात की रिकॉर्डिंग है 2024 की। मैं मेरे पर्सनल काम से गया था और पर्सनल काम ये था, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। मेरी जो बहन है उसका बच्चा जो है वो गुलबर्गा शरीफ में एक कॉलेज में डिफॉर्मेसी में पढ़ता है, बच्चे के साथ रैगिंग हो रही थी और रैगिंग की वजह से बच्चे के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। मेरे बहनोई का मुझे कॉल आया कि बच्चे के साथ इस तरह की वहां पर रैगिंग हो रही है, मामला है। इसी के चलते कपिल पाटिल के जो भतीजे भिवंडी से कॉर्पोरेटर हैं, उनसे, क्योंकि भिवंडी शहर में सभी से ताल्लुकात है, मुझसे भी ताल्लुकात है, हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं शहर के, तो उनसे मैंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि घर पे आदरणीय मंत्री जी मौजूद है, आप आ जाइए। उस रात में मैं उसी मकसद से वहां गया था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और मैंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने अपने पीएस से कहा कि कल सुबह उस कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करें। अगले दिन कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने के बाद उनके पीएस ने माननीय कॉर्पोरेटर कपिल पाटिल के भतीजे माननीय कॉर्पोरेटर सुमित पाटिल से के मोबाइल से ही मुझसे बात किया, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे फेसबुक अकाउंट पर अनगिनत बीजेपी शिवसेना के जो मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मौजूदा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री रहे हो, हम सभी से मिलते रहते हैं, उनके पास जाते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये चुनाव के दौरान फोटो लगाना चलाना, क्या बाल्या मामा इससे पहले किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे? वो पुराना फोटो पुराना वीडियो बनाकर ये चलाना, अरे भाई हिम्मत है तो मुद्दों पर लड़ाई लड़ करके दिखाओ ना। मुझे ऐसा लगता है कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक पत्रकार परिषद से शुरुआत होते ही इनकी हालत खराब हो गई है। ये जो 17 फरवरी 2024 ये फाइल मैनेजर का रिकॉर्ड है, ये आपके सामने है, मैं आपके सामने प्ले करके दिखाता हूं। कॉर्पोरेटर सुमित पाटिल, बहुत अच्छा कहना ये है कि वो
वो भी जरा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते आपके जो नहीं उसको उसको सजा दे वो कोई इशू नहीं है ना, बच्चे रहेंगे कैसे ले सकते। ये सिर्फ आपकी जानकारी में रख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था आपको पता हो अब तो ये बात हो गई कि कॉर्पोरेटर सुमित पाटिल के माध्यम से उस बच्चे को इंसाफ मिल गया था। दूसरी रिकॉर्डिंग ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरियादी मतलब मेरे जो बहन भाई ने मुझे कॉल किया था उस बच्चे के लिए कि वो बच्चे के साथ रैगिंग हो रही है, ये 15 फरवरी की डेट का है। 16 फरवरी की रात को मैं मुलाकात किया था, 17 फरवरी को मुझे कॉल आया कि काम हो गया है, और ये 15 फरवरी को ये हो गया दो एविडेंस। तीसरा 17 तारीख को जो मेरी बात हुई मंत्री महोदय के भतीजे से कि भाई एक काम हो गया है, उनके पीए ने मुझे बताया, ये मैंने सेंड किया था रिकॉर्डिंग मेरे बहनोई को, इरफान भाई लिखा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग 17 फरवरी की डेट की रिकॉर्डिंग भेजी हुई है कि काम हो गया है। ये वही रिकॉर्डिंग है जो मैंने उनको भेजा कि सबूत के लिए कि काम हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव है, चुनाव में इस तरह की घटिया ओछी हरकतें लोग वही लोग करते हैं जो हताश होते हैं। बाल्या मामा हो चाहे नीलेश सांबरे हो चाहे कपिल पाटिल हो, ये ओछी हरकत से किसको फायदा पहुंचेगा वो बात की बात है, लेकिन लड़के जीतो ना भाई, लड़के जीतो ना, मुद्दों पे बात करो ना। अगर हिम्मत है बाल्या मामा कपिल पाटिल लेले सामने में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस अध्यक्ष से लाइव डिबेट करके दिखाए इसी चैनल के माध्यम से, मैं इस मुद्दे पर चाहे किसी भी मुद्दे पर अगर हिम्मत है तो लाइव डिबेट करके बताए कि क्यों आप खासदार बनना चाहते हो, क्यों जनता आपको वोट डाले। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो धोरण है कि जनता के लिए काम करो, काम के लिए हमें, मैं हूं या खासदार इम्तियाज जलील साहब हो या हमारा कोई भी लीडर हो, लगातार हमें किसी ना जिसकी रूलिंग में सरकार हो उससे मुलाकात करना ही पड़ता है। अब वो अरे घर के अंदर भी मुलाकात होती है, ऑफिस के अंदर भी मुलाकात होती है, उसके भी फोटोज होते हैं, उसका भी वीडियोज है, फेसबुक पे जाके मेरे अकाउंट खोल के देखिए, सारे मंत्री लोग के साथ फोटो है, अरे वो भी चलाओ। लेकिन जनता को ये तो जवाब दो कि तुमने क्या काम किया है, ये वीडियो वायरल करके मजलिस से वोट तुम्हारे पास चले जाएगा क्या? अरे मजलिस का वोट सिर्फ असद अवैसी साहब की वजह से मिलता है, असद अवैसी साहब के धोरण की वजह से मिलता है। तो ये सब डर्टी पॉलिटिक्स खत्म करो, अपना काम क्या है वो बताओ। शादा भाई जिस तरह से वीडियो वायरल हुई है तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ होगा? इसके पीछे वो 25,000 का इन्वेलप जिनको मिला है उनका हाथ है। इतने दिन से बेचारे ने संभाल के रखा था, उसको लगा शादाब उस्मानी विधानसभा लड़ेगा तो वायरल करूंगा, लेकिन बेचारों का गणित खराब हो गया, 25,000 के बाजार 1-1.5 लाख मिलने वाला था तो बेचारे ने वायरल किया। कि वीडियो जो दिख रहा है उससे लग रहा है कि छुप के जेब में मोबाइल रख के बनाया है। अरे हिम्मत है तो अंदर घुस के बनाना चाहिए ना। अरे मैं क्या बोलता हूँ आपको, 2019 का लोक विधानसभा इलेक्शन देख लीजिए आप, मेरा 2018 का गोवा का फोटो वीडियो लोगों ने चलाया था, उस टाइम वायरल किया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष गोवा में चड्डा पहन के घूम रहा है। अरे टूर पे बीच के ऊपर चड्डा पहन के नहीं घूमता तो क्या पहन के घूमता? तो ये तो चुनाव में होता है। शराब भाई वीडियो में जिस तरह से दिख रहे कि आप पहले तो वहां पे घूम रहे हो,
उसके बाद आपकी नजर जब कैमरे पे पड़ती है तो आप डायरेक्ट गाड़ी में बैठकर चले जाते हो या बैठ जाते हो? भाई मैं वहां घूम रहा नहीं था, मैं तो आपको क्लियर कट बता दिया हूं कि मैं काम से गया था, माननीय मंत्री महोदय से मिलने के लिए गया था, और काम उनके भतीजे कॉर्पोरेटर सुमित पाटिल के माध्यम से वो बच्चे को इंसाफ मिल गया है।